दोस्तों यदि आप एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 ढूंढ रहे जिससे आप एक अच्छी फोटोज क्लिक कर पाए तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000। इसके साथ ही यदि आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। जब बात हो एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 लेना, तो इस प्राइस पॉइंट में हमें काफी सारे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है और उनमें से बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन पिक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम बन जाती है, क्योंकि हमारे पास च्वाइसेस बहुत ज्यादा निकल कर आ जाती है इस प्राइस पॉइंट में। और आपके इन सारी बातों को ध्यान में रखते आज के लिस्ट में मैंने तीन ऐसे बेस्ट फोन पिक किए जो कि सारे के सारे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन निकल कर आती है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे आपके नीड्स और आपके रिक्वायरमेंट्स को देखते आपको कौन से स्मार्टफोन लेने चाहिए इन तीनों में से। दोस्तों यदि आपकी कोई मन पसंदीदा स्मार्टफोन इस लिस्ट में ना इंक्लूड हो तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर विजिट करके आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और साथ ही में ये वाली वीडियो भी जरूर चेक करें जिसमें मैंने बात किया टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 20,000, तो इसे भी आप जरूर चेक करें। तो आइए दोस्तों आप जान लेते हैं मिनिमम कैमरा स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो यदि आप एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले बात उस स्मार्टफोन में आपको मिनिमम ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए। और सबसे अच्छी बात है कि आज के लिस्ट के तीनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जो कि और अच्छी बात निकल कर आ जाती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मेगापिक्सल की बात करें तो उस स्मार्टफोन में आपको मिनिमम 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिले। और दोस्तों आप सभी के लिए एक सरप्राइज है कि इस प्राइस में मैंने एक 108 मेगापिक्सल वाली कैमरा सेटअप इंक्लूड किया, जो कि आपको सिर्फ 20,000 रुपए के अंदर ही देखने को मिल जाती है। तो इस बात पे एक लाइक तो जरूर बनती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के लिस्ट की सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में। और आज के लिस्ट की सबसे पहले स्मार्टफोन निकल कर आती है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M31S। और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये काफी ज्यादा एक अच्छी डिस्प्ले निकल कर आती है। नेक्स्ट अब प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें सैमसंग की खुद की एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर देखने को मिलती है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो यह स्मार्टफोन 6GB रैम और साथ ही में 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आती है। और इस स्मार्टफोन में आपको एक बड़ी रैम के साथ एक बड़ी स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको इस स्मार्टफोन में किसी भी तरह की परफॉर्मेंस लैग देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अब कैमरा सेटअप की बात करते हैं, इस स्मार्टफोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और साथ ही में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस हमें देखने को मिलती है। और वहीं पर आप बात करें कैमरे फीचर्स के, इस स्मार्टफोन में आपको पोर्ट्रेट मोड, 10x डिजिटल जूम और साथ ही में सिंगल टेक मोड भी देखने को मिल जाती है। और ये सैमसंग की तरफ से आने वाली सिंगल टेक मोड काफी एक अच्छी फीचर्स निकल कर आती है कैमरे फीचर्स के बारे में, जिससे आप एक साथ में काफी सारे मल्टीपल फोटोज और साथ ही में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फीचर्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन के रियर कैमरे सब 4K में अप टू 30 FPS तक वीडियो शूट कर पाएंगे। और दोस्तों जो सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में आपको स्विच कैमरा मोड देखने को मिल जाती है, यानी कि आप वीडियो शूट करते समय फ्रंट और रियर कैमरे दोनों को ही यूज कर साइमल्टेनियसली वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा एक अच्छी बात निकल कर आ जाती है, खास करके यदि आप व्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो। इसके साथ ही आप हमारे ये वाले वीडियो भी जरूर चेक करें जिसमें मैंने बात की बेस्ट व्लॉगिंग स्मार्टफोन। और अब बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। और सेल्फी कैमरे के फीचर्स की बात करते हैं, इसमें आपको स्मार्ट सेल्फी एंगल मोड देखने को मिल जाती है। और ये स्मार्ट सेल्फी एंगल मोड बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की काम करती है ग्रुप सेल्फीज लेते टाइम। सेल्फी कैमरे के वीडियो फीचर्स की बात करते हैं, फ्रंट सेल्फी कैमरे से फुल HD में अप टू 30 FPS तक वीडियो शूट कर पाएंगे। और नेक्स्ट अब बात करते हैं बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और इसके साथ ही हमें 25W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। और सैमसंग दावा करते हैं स्मार्ट फोन के चार्जर के जरिए 0 to 100% सिर्फ 97 मिनट में ही फुल्ली कर सकते हैं चार्ज स्मार्टफोन की बैटरी को। इसके साथ ही स्मार्टफोन में हमें रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है, और ये काफी ज्यादा कूल फीचर्स लगते हैं स्मार्टफोन के बारे में। और इस रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के जरिए आप दूसरे स्मार्टफोन से या फिर छोटे छोटे गैजेट्स को इजिली कर सकते हैं चार्ज। तो आइए दोस्तों आप जान लेते हैं स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों जब एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 ढूंढ रहे थे और वो भी सैमसंग ब्रांड के तरफ से, तो ये सैमसंग की तरफ से आने वाले गैलेक्सी M31 सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है इस प्राइस पॉइंट को कंसीडर करते हुए। सबसे पहली बात, इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है जिसमें आपको सिंगल टेक मोड देखने को मिल जाती है। और इस फीचर के यूज कर आप मल्टीपल फोटोज और साथ ही में शॉर्ट क्लिप्स शूट कर सकते हैं एक ही बार में, और ये काफी ज्यादा कूल फीचर्स लगती है स्मार्टफोन के कैमरे फीचर्स के बारे में। और फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है जिससे आप एक अच्छी और एक हाई क्वालिटी की सेल्फीज फोटो क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप व्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन
निकल कर आती है इस प्राइस पॉइंट में, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको स्विच कैमरा मोड देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप फ्रंट और रियर दोनों कैमरों को यूज कर एक साथ ही वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन में उन सारे यूजर्स को रिकमेंड करना पसंद करूँ जिन्हें बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 चाहिए, वो भी सैमसंग ब्रांड से, और साथ ही में व्लॉगिंग के लिए एक बेस्ट फोन ढूंढ रहे तो अभी अंडर 20,000, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। और इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। तो आइए दोस्तों बढ़ते आज के लिस्ट की दूसरे स्मार्टफोन की तरफ, और आज की लिस्ट के दूसरे स्मार्टफोन निकल कर आती है रियलमी की तरफ से, रियलमी 7 प्रो। और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन के डिस्प्ले में ही हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती है। वहीं पर प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें क्वालकॉम की तरफ से आने वाले स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर निकल कर आती है, खास करके यदि आप गेमिंग करना पसंद करते हैं। वहीं पर रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस स्मार्टफोन में भी हमें 6GB रैम और साथ ही में 128GB के बड़े इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में। और अब बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट लेंस और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस हमें देखने को मिल जाती है। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स में हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग और कूल फीचर्स देखने को मिल जाती है। सबसे पहली बात यह, एकमात्र ऐसी स्मार्टफोन है जिसमें आपको स्टेरियो मोड देखने को मिल जाती है, यानी कि स्मार्टफोन के कैमरों को यूज कर आप तारों की फोटो क्लिक कर सकते हैं, और ये फीचर्स नॉर्मली दूसरे स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलती इस प्राइस पॉइंट में। और दूसरी सबसे कूल फीचर ये कि आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते समय बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, तो ये एक और ज्यादा अच्छी बात निकल कर आ जाती है कैमरा फीचर्स के बारे में। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में एक अच्छी लो लाइट फोटोग्राफी के लिए प्रो नाइटस्केप मोड देखने को मिल जाती है, और साथ ही में नाइट फिल्टर्स देखने को मिलती है। वीडियो फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K में अपटू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे, और उससे भी अच्छी बात ये कि आप स्लो मोशन वीडियो अपटू 240fps तक शूट कर पाएंगे रियर कैमरे से। और दोस्तों अब बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में भी हमें 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। और सेल्फी कैमरे के फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें टाइमलेस फोटोग्राफी देखने को मिल जाती है, और साथ ही में AI पोर्ट्रेट मोड भी। और फ्रंट सेल्फी कैमरे के वीडियो फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से आप स्लो मोशन वीडियो अपटू 120fps तक शूट कर पाएंगे। दोस्तों क्या आप भी फ्रंट सेल्फी कैमरे से स्लो मोशन वीडियो लेना पसंद करते, तो जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा फ्रंट सेल्फी कैमरे से फुल एचडी में अपटू 30fps तक नॉर्मल वीडियो शूट कर पाएंगे। और अब बात करते हैं बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में 4500mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन के साथ ही आपको 65W का डार्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। और इस डार्ट चार्जर के जरिए स्मार्टफोन की बैटरी को आप 0 to 100% सिर्फ 34 मिनट में फुल्ली कर सकते हैं चार्ज, तो ये काफी गजब का फीचर आपको देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाती है, जो कि बाकी स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलती इस प्राइस पॉइंट में, तो ये भी एक और अच्छी बात लगती है स्मार्टफोन के बारे में। तो आइए दोस्तों आप जान लेते हैं स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 ढूंढ रहे थे जिससे आप एस्ट्रो फोटोग्राफी कर पाएंगे, तो ये रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी 7 प्रो स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। सबसे पहली बात, इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको स्टेरियो मोड देखने को मिल जाती है, यानी कि आप इस फीचर को यूज कर तारों की फोटो क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट में किसी और स्मार्टफोन में ये फीचर्स देखने को नहीं मिलती है। और वहीं पे सेल्फी कैमरे की बात करता हूं, आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है, जिससे आप एक अमेजिंग सेल्फी फोटो क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही में आपको 120fps स्लो मोशन वीडियो शूट करने का भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और स्मार्टफोन की सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन के साथ ही आपको 65W का डार्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है, जिससे आप इस स्मार्टफोन की बैटरी को सिर्फ 34 मिनट में फुल्ली कर सकेंगे चार्ज। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन में उन सारे यूजर्स को रिकमेंड करना पसंद करूं जिन्हें बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 चाहिए, जिसमें आपको स्टेरियो मोड देखने को मिल जाए और साथ ही में एक अच्छी कैमरा फीचर्स भी। तो ये रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी 7 प्रो स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। और इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आज के लिस्ट के सबसे आखिरी स्मार्टफोन के बारे में। और दोस्तों यदि आप हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन गेस कर लिए तो नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। और आज के लिस्ट का हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन निकल कर आती है Xiaomi की तरफ से MI 10i 5G स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस डॉट डिस्प्ले के साथ आती है। और सबसे हाईलाइटिंग फीचर ये है कि स्मार्टफोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन देखने को मिल जाती है, यानी कि स्मार्टफोन में आपको काफी ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है स्क्रॉल या फिर गेमिंग करते समय। प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाली स्नैपड्रैगन 750G 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात
बात यह है कि यह स्मार्टफोन एक 5G डिवाइस निकल कर आती है। रैम और स्टोरेज की बात करते हैं, स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और साथ ही में 64GB की इंटरनल स्टोरेज दिखने को मिल जाती है। और इस स्मार्टफोन में आपको एक छोटी स्टोरेज दिखने को मिल जाती है, यानी कि आपको एक अलग से मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, जो कि सबसे बड़ी हाइलाइटिंग फीचर है स्मार्टफोन की। और इस स्मार्टफोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 108 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP का मैक्रो लेंस और साथ ही में 2 MP का डेप्थ सेंसर हमें देखने को मिल जाती है। वहीं पे कैमरे फीचर्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन में हमें प्रो मोड, रॉ मोड और साथ ही में लो लाइट फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में हमें नाइट मोड 2.0 देखने को मिल जाती है, जिससे आप एक अच्छी फोटोज क्लिक कर पाएंगे लो लाइट में भी। और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन के कैमरे से पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते समय बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं पे आप बात करें वीडियो फीचर्स के, स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K में अप टू 30 FPS तक वीडियो शूट कर पाएंगे और फुल HD में अप टू 60 FPS तक। और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में आपको 960 FPS स्लो मोशन वीडियो सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, स्मार्टफोन में हमें एक नई डुअल वीडियो मोड देखने को मिल जाती है और इस फीचर को यूज कर फ्रंट और रियर कैमरे दोनों से ही एक साथ वीडियो शूट कर पाएंगे। और ये फीचर्स व्लॉगर के लिए एक अच्छी बात निकल कर आती है। सेल्फी कैमरे की बात करें, स्मार्टफोन में 16 MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरे फीचर्स की बात करें, इसमें हमें AI पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड 1.0 और साथ ही में पैनोरामा सेल्फी मोड हमें देखने को मिल जाती है। और वहीं पे आप बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरे के वीडियो फीचर्स के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से फुल HD में अप टू 30 FPS तक वीडियो शूट कर पाएंगे और साथ ही में टाइमलेस वीडियो सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अब बैटरी की बात करते, स्मार्टफोन में 4820 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ ही में 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलती है। और कंपनी दावा करते है कि स्मार्टफोन के चार्जर के जरिए आप 0 to 100% स्मार्टफोन की बैटरी को सिर्फ 58 मिनट में फुल्ली कर सकेंगे चार्ज। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, जब एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 ढूंढ रहे थे, जिसमें आपको एक बेहतर लो लाइट फोटोग्राफी देखने को मिल जाए और साथ में एक बेहतर कैमरा सेटअप, तो ये Xiaomi की तरफ से आने वाले Mi 10i 5G स्मार्टफोन एक अच्छी स्मार्टफोन निकल कर आती है आपके लिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये स्मार्टफोन एक 5G डिवाइस भी निकल कर आती है। और स्मार्टफोन की सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में आपको 108 MP का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है और साथ ही में नाइट मोड 2.0 मोड देखने को मिल जाती है, जिससे आप एक बेहतर लो लाइट फोटोग्राफी भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन में उन सारे यूजर्स को रिकमेंड करना पसंद करूँ जिन्हें बेस्ट ऑफ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 चाहिए। तो ये Xiaomi की तरफ से आने वाले Mi 10i 5G स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। और इस स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यदि आपकी कोई राय विचार या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं।